फैमिली वेलफेयर सर्विसेज के बारे में, जिसमें आता है फैमिली प्लानिंग मेथड्स एंड फैमिली वेलफेयर काउंसलिंग। सबसे पहले आती है फैमिली प्लानिंग की डेफिनेशन। फैमिली प्लानिंग इज एन एक्शन टेकन बाय अ फैमिली और कपल्स टू रेगुलेट द नंबर एंड स्पेसिंग देयर चिल्ड्रन इन अकॉर्डेंस विद देयर पर्सनल प्रेफरेंस। मीन्स फैमिली प्लानिंग एक ऐसा एक्शन है या एक ऐसा प्रोसीजर है जो कपल्स लेते हैं सो दैट कि उनकी जो फैमिली है या फैमिली मेंबर्स हैं वो उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग हो, लाइक किसी को एक बेबी चाहिए या किसी को दो, अकॉर्डिंग टू दैट, राइट। फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। मीन्स क्या जरूरत है फैमिली प्लानिंग के बारे में मदर एंड फादर को बताने की। नंबर वन, टू डिटरमिन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली, कि फैमिली में कितने बच्चे होने चाहिए। नंबर टू, टू कंट्रोल द टाइम एट विच बर्थ्स अकर इन रिलेशन टू द एजेस ऑफ द पेरेंट्स। नंबर थ्री, टू रेगुलेट द इंटरवल्स बिटवीन प्रेगनेंसीज, दो प्रेगनेंसीज या बच्चों में कितना एज का डिफरेंस होना चाहिए। नेक्स्ट, टू ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ्स। नेक्स्ट, टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ्स। डन। फिर आती है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। नंबर वन, टेम्परेरी मेथड्स दैट इंक्लूड्स स्पेसिंग मेथड्स, बैरियर मेथड्स, फिजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स, कंबाइंड मेथड्स, इंट्रायूटराइन डिवाइसेस, हार्मोनल मेथड्स, पोस्ट कंसेप्शनल मेथड्स एंड मिसलेनियस। दूसरा है टर्मिनल मेथड्स या परमानेंट मेथड्स। इसमें आते हैं मेल स्टरलाइजेशन, फीमेल स्टरलाइजेशन एंड नेचुरल मेथड्स, राइट। अब सबसे पहले बात करते हैं परमानेंट मेथड्स की। तो इसमें मेन आते हैं फीमेल स्टरलाइजेशन, जिसे ट्यूबेक्टमी कहा जाता है, एंड मेल स्टरलाइजेशन, जिसे वासेक्टमी बोलते हैं। फीमेल स्टरलाइजेशन या ट्यूबेक्टमी की बात करें तो ये क्या होती है, इसमें जो फीमेल की फलोपियन ट्यूब्स होती हैं उन्हें कट करके लाइगेट कर देते हैं। उनको काट के लाइगेट करना मतलब मीन्स बांध देते हैं दोनों एंड से, सो दैट कि एग जो प्रोड्यूस हो रहा है ओवरीज में वो यूट्रस तक ना रीच करे एंड प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव ना हो। फिर है मेल स्टरलाइजेशन या वासेक्टमी। इसमें मेल के जो वास डिफरेंसेस होते हैं उन्हें कट करके लाइगेट कर देते हैं सो दैट कि सीमन या स्पर्म की इजेकुलेशन ना हो, राइट। ये हो गए परमानेंट मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। अब बात करते हैं टेम्परेरी मेथड्स की। इसमें सबसे पहले आते हैं स्पेसिंग मेथड्स। इसमें क्या है कि फीमेल को बताना है कि दो बच्चों में कम से कम 3 से 4 साल का डिफरेंस या स्पेस रखना होता है। इससे क्या होता है कि फीमेल जब दोबारा प्रेग्नेंट होती है तो उसकी प्रेगनेंसी जो होगी वो हेल्दी होगी एंड अच्छे तरीके से वो अपनी जो प्रेगनेंसी है उसको कंटिन्यू कर सकती है, एज वेल एज बेबी की ग्रोथ जो है वो भी, बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो भी अच्छे ढंग से हो सकती है।